हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम अगेन टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो हमने अपना सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अ स्फीयर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, और आगे होमोजीनियस का पार्ट दैट इज सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, देन हिट्रोजीनियस का सस्पेंशन, उनको हमने, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन कोलोइड है या सस्पेंशन है या सॉल्यूशन है, क्या है, वो सब हम पढ़ चुके थे। तो फिर मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको सेपरेट आउट करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो आज हम दो तीन टेक्निक्स आज हम पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में दो तीन कवर करेंगे। तो फर्स्ट देखो, टेक्निक जो है मिक्सर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टेक्निक है सबसे फर्स्ट। फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चा? फिल्ट्रेशन, मान लो मैंने चौक और पानी का एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया, एक, जैसे हम चाय बनाते हैं ना, चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जब चाय हमारी बन जाती है तो उसमें से जो पत्ती होती है वो हम कैसे अलग करते हैं, छन्नी से अलग करते हैं ना, कि क्योंकि वो पत्ती क्या है, उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, वो छन्नी में आ जाते हैं और नीचे सारी चाय आ जाती है, लिक्विड आ जाती है, लिक्विड आ जाता है। तो सेम प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक फनल ली है, फनल के ऊपर मैंने एक फिल्टर पेपर उसके बीच में इंसर्ट कर दिया। आप अपनी लेबोरेटरी में जाके देखना, वैसे आपको यहाँ फिल्ट्रेशन साइड में पिक दिख भी रही होगी। उसमें क्या किया है, मैंने एक बीकर लिया है, एक फनल ली है, उसके अंदर से, अब मैंने उसके अंदर मैंने फिल्टर पेपर लगा दिया। जब मैं उसके ऊपर से लिक्विड पोर कर रही हूँ, चॉक वाटर पोर कर रही हूँ, उसके अंदर डाल रही हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ, जो मेरा पानी है वो सारा बीकर में कलेक्ट हो रहा है और जो जो मेरे चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फनल में ही है, है ना। तो जो वाटर, अब इस केस में जो मेरे पास नीचे वाटर आया, जो मेरे पास नीचे लिक्विड आया, उसको मैं क्या बोलूंगी, फिल्ट्रेट। वो मेरे पास फिल्टर होके आया है, दैट इज फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर मेरे पास चॉक के पार्टिकल रह जाएंगे उसको मैं क्या बोलूंगी, रेजिड्यू। आई रिपीट, द फर्स्ट मेथड टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से हम इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। लाइक मैंने चॉक वाटर लिया है, मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उसके ऊपर एक फनल लगा दी स्टैंड के थ्रू, और उस फनल के अंदर मैंने एक फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर से चॉक वाटर को डालना शुरू किया, तो मैं क्या देखूंगी, जो मेरे पास पानी है वो सारा मेरे पास नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको मैं क्या कहूंगी, दैट इज आर फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर मेरे पास चॉक के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे, क्रिस्टल्स रह जाएंगे, जिसको मैं क्या कहूंगी, रेसिड्यू। क्लियर है? तो फिल्ट्रेशन मेथड में, लाइक हम चॉक प्लस वाटर है, हम चाय बनाते हैं तो उसमें पत्ती जो है वो चाय से अलग कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है वो सभी मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए सुटेबल नहीं है। लाइक अगर मैंने पानी में से नमक अलग करना है तो क्या वो मैं छन्नी की हेल्प से कर सकती हूँ कि नमक मेरे पास ऊपर रह जाए और पानी नीचे आ जाए? नहीं ना। तो कई ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसको मैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से सेपरेट आउट नहीं कर सकती। तो उस केस में हम अपना नेक्स्ट जो फिल्ट्रेशन, सॉरी, मिक्सचर सेपरेशन का मेथड है वो पढ़ेंगे, दैट इज इवेपोरेशन। नेक्स्ट मेथड जिसमें मैं फिल्ट्रेशन नहीं कर सकती, लाइक नमक वाला पानी है, है ना, अगर मुझे नमक पानी में से अलग करना है तो मैं फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं कर सकती, उस केस में मैं यूज करूंगी इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारा इवेपोरेशन। सी, अवर नेक्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में मैंने अगर नमक को पानी में से अलग करना है तो मैं इवेपोरेशन यूज कर सकती हूँ। सेकेंड, मान लो मैंने इंक ले, है ना, इंक, मान लो मैंने ब्लू कलर की इंक ली है, तो एक्चुअल में जो इंक का वो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, वो उसके अंदर ब्लू कलर की डाई होती है, ब्लू डाई है, दैट मीन्स उसके अंदर उसकी, मतलब डाई और पानी को, अगर मैंने ब्लू कलर की डाई और पानी को आपस में मिक्स कर दिया तो वो ब्लू इंक बनती है, ठीक है। अगर मैंने रेड इंक बनानी है तो मैं क्या करूंगी, रेड कलर की डाई ले लूंगी और उसको पानी में मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास रेड इंक बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जो डाई है उसके अंदर वो उस इंक को कलर प्रोवाइड कर रही है ना। तो अगर मैंने उस डाई को उस सॉल्यूशन में से अलग करना है तो मैं क्या करूंगी, देखो मैंने क्या करना है, जो इंक है, इंक किसका मिक्सचर है, डाई प्लस वाटर का, है ना। तो जो इंक का कलर आ रहा है वो ड्यू टू डाई आ रहा है, ठीक है। तो डाई का जो भी मैंने कलर लिया है, ब्लू लिया है तो इंक ब्लू कलर की होगी, रेड लिया है तो इंक रेड कलर की होगी, अगर ब्लैक लिया है तो इंक रेड ब्लैक कलर की होगी, है ना। अब मैंने क्या करना है, उस ब्लू इंक में से जो पानी है वो अलग करना है और जो डाई है वो अलग करनी है। तो उसके लिए मैं जो मेथड यूज करूंगी, दैट इज
इवेपोरेशन। इसमें मैं क्या करूंगी, मैं एक बीकर लूंगी। मैंने क्या किया है, नीचे जो है बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वॉच ग्लास लगा दी। वॉच ग्लास लाइक अ प्लेट होती है छोटी सी, आप लेबोरेटरी में देखना, वरना आपको साइड में डायग्राम भी शो हो रहा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉच ग्लास। उस वॉच ग्लास में मैंने 3 to 4 ड्रॉप्स क्या लिए हैं, इंक के लिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नीचे बर्नर लगा दिया, मैंने यहाँ पे कैंडल दिखाई है, बट लेबोरेटरी में बर्नर्स यूज होते हैं ना हीटिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पे बर्नर लिया और बर्नर को ऑन कर दिया। जब मैंने बर्नर को ऑन किया, क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, है ना। पानी बॉयल होगा तो जो इंक के अंदर वाटर है वो भी वेपराइज होगा, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उठेगा, बाहर निकलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे को वो वेपर्स दिखने बंद हो जाएंगे। उसका क्या मतलब हुआ कि इंक में से जो जितना भी पानी था वो सारा का सारा उड़ गया और नीचे मेरे पास क्या रह जाएगी, वॉच ग्लास में ओनली डाई। आई रिपीट, मैंने एक बीकर लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है, उस बीकर के ऊपर मैंने एक वॉच ग्लास रखी है, उस वॉच ग्लास के अंदर मैंने 3 से 4 ड्रॉप ब्लू इंक के डाले हैं। तो जब मैंने उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया तो मेरा जो बीकर वाला पानी था वो गर्म हुआ, देन मेरे जो वॉच ग्लास के अंदर इंक है उस इंक के अंदर भी पानी है, वो पानी वेपराइज होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें से मुझे पानी के वेपर्स दिखने बंद हो जाएंगे। दैट मीन्स अब इंक के अंदर से सारा का सारा जो पानी है वो उड़ गया है, वेपराइज हो गया है, जस्ट अब मेरे पास क्या बचा है, डाई बची है, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इंक में से डाई और पानी को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेम अगर मुझे नमक वाले पानी में से नमक को अलग करना है तो सेम प्रोसेस में कर सकती हूँ, जस्ट उसको बॉयल करते रहो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको नीचे सिर्फ नमक दिखेगा, पानी सारा उड़ जाएगा। जो समुंदर का पानी होता है उसमें भी नमक मिक्स होता है ना, तो वो बड़ी बड़ी जो मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, जो होती हैं, अगर उन्होंने उसको समुंदर में से पानी को अलग करना है तो वो क्या करती हैं, वो यही काम करती हैं एक्चुअली में, वो सॉल्ट फील्ड बनाती हैं, ऐसे करके सॉल्ट फील्ड बनाती हैं वो। ये ऐसे इनमें जैसे इसमें पानी डाल दिया समुंदर का, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें ऐसे समुंदर का पानी थोड़ा थोड़ा डाल देती हैं, और बाद में क्या है उसको धूप में रख देती हैं। जब वो धूप में उसको धूप उसके ऊपर पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है जो वो समुंदर का पानी है वो सारा इवेपोरेट होने लग जाता है और नीचे उन बॉक्सेस के अंदर हमारे पास क्या रह जाता है, खाली नमक। तो इस मेथड से हम डाई, इंक में से डाई अलग कर सकते हैं, पानी में से नमक अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है, इवेपोरेशन, क्योंकि एक्चुअली मैं इसको इवेपोरेशन क्यों कहा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वाटर जो है वो वेपराइज हो रहा है और नीचे हमारे पास जो सब्सटेंस हमें चाहिए वो सेपरेट आउट हो रहा है। क्लियर? देखो, फर्स्ट मेथड हमने किया था फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने नॉर्मल फिल्टर आउट करके जो हमारे मिक्सर के सब्सटेंसेस थे उनको सेपरेट आउट किया था। नेक्स्ट अब हम क्या, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने टेक्निक की इवेपोरेशन, जिसमें हमने इंक में से डाई अलग की, पानी में से नमक अलग किया। नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या लिया है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर कॉपर सल्फेट है और पानी है, ठीक है। मैंने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब आप ये भी सोच सकते हो कि हम इसको इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हैं। मैं क्या करूं, इसको नीचे से हीट करूं और जो इसका पानी है, जो इसके अंदर सॉल्यूशन बनाया है उसमें पानी है, वो पानी सारा उड़ जाए और नीचे मेरे पास ओनली कॉपर सल्फेट रह जाए, है ना। हम इस मेथड से भी इवेपोरेशन से भी तो कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन इज नॉट सो गुड फॉर दिस। क्यों, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। एक्चुअली में इवेपोरेशन के कुछ डिसएडवांटेज हैं, क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एडवांटेज हैं। कैसे, अगर देखो मैं क्रिस्टलाइजेशन है क्या, पहले आपको ये बताती हूँ। इस प्रोसेस में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने उसको हीट करना स्टार्ट करना है, लेकिन उसका 80% वाटर जो है वो ही उड़ाना है, मतलब उसमें 20-25% वाटर अभी उसको रखना है, पूरा पानी इवेपोरेट नहीं करना, ठीक है। जब उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाए तो मुझे हीटिंग को बंद कर देना है, बर्नर को बंद कर देना है, ताकि जो बीकर है उसको हीट ना मिले और पानी जो है वो बॉयल होना बंद हो जाए। फिर मैंने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट पे रख देना है, ठीक है, बिना छेड़े उसको। तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि आपको छोटे छोटे बीकर में छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखो
ये काम मैं इवेपोरेशन से भी कर सकती थी कि पानी उड़ा देती, नीचे मेरे पास कॉपर सल्फेट रह जाता, बट इवेपोरेशन में जो मेरे पास सब्सटेंस मिलता मेरे को, वो मुझे इम्प्योर फॉर्म में मिलता, वो प्रॉपर मुझे प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स नहीं मिलने थे। क्यों? क्योंकि देखो वाटर जो है उसमें भी इम्प्योरिटीज हैं, है ना। अब जब वाटर उड़ गया तो वो अपनी इम्प्योरिटीज किस में छोड़ गया, नीचे छोड़ गया, मतलब कॉपर सल्फेट में छोड़ गया। तो दैट मीन्स कॉपर सल्फेट जो इवेपोरेशन से मुझे मिला वो प्योर नहीं था। बट इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मुझे कॉपर सल्फेट मिला वो मुझे किस में मिला, प्योर फॉर्म में मिला। इसमें बस इतना ध्यान रखना, क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन में फर्क इतना है, इवेपोरेशन में मुझे सारा का सारा पानी इवेपोरेट करना होता है, क्रिस्टलाइजेशन में मैं क्या करती हूँ उसका कुछ पानी इवेपोरेट करती हूँ, देन मैं उसे कूल डाउन करती हूँ, ठंडा करती हूँ। चाहे आप इसको क्या करो, नीचे बॉक्स में एक आइस ले लो बहुत सारी और उसके अंदर बीकर रख दो आप अपना, ठीक है। जिस बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें आइस नहीं डालनी, ये ध्यान रखना। बट जो नीचे मैंने एक न्यू बीकर लिया है जिसके अंदर मैंने आइस ली है और उस आइस वाले बीकर के अंदर मैंने अपना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला बीकर रखना है, तो उससे क्या होगा, जो क्रिस्टल्स हैं वो जल्दी बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में, क्रिस्टलाइजेशन के केस में जो मेरे को क्रिस्टल्स मिलेंगे कॉपर सल्फेट के वो प्योर मिलेंगे, बट इवेपोरेशन के केस में वो पानी सारा उड़ने के बाद जो पानी की इम्प्योरिटीज हैं वो भी कॉपर सल्फेट में आ जाएंगी, तो उस केस में जो कॉपर सल्फेट मुझे मिलेगा वो प्योर नहीं होगा। क्लियर है? हमने तीन मेथड पढ़े हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज इवेपोरेशन, एंड नाउ थर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड अब हम पढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट मेथड है, अगर हमारे पास दो इमिजिबल लिक्विड है, इमिजिबल लिक्विड का पहले तो मतलब पता होना चाहिए तुम्हें, इमिजिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स आउट नहीं होते, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इमिजिबल लिक्विड, और जो मिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिजिबल लिक्विड। तो इमिजिबल लिक्विड का एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दूं तो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑयल प्लस वाटर, है ना। अगर मैं पानी के अंदर तेल डाल रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, तो वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, तो ये सॉल्यूशन जो होगा मेरे पास वो किसका होगा, इमिजिबल लिक्विड्स का। अब मुझे अगर ऑयल में से पानी अलग करना है या ऑयल पानी को सेपरेट आउट करना है तो वो मैं किससे करूंगी, उस मैं सेपरेटिंग फनल से उनको सेपरेट आउट करूंगी। आपको साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा सेपरेटिंग फनल का, तो उस सेपरेटिंग फनल की हेल्प से मैं क्या करूंगी, इन दो लिक्विड्स को क्या करूंगी, सेपरेट आउट करूंगी। ये देखो डायग्राम मैंने भी बनाने की कोशिश की है, मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। अब मैंने एक स्टैंड लगा के यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल लगा दी है, आप अपनी लेबोरेटरी में देख लो और बाकी आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है सेपरेटिंग फनल कैसी होती है। तो इस सेपरेटिंग फनल में मैंने क्या किया, ऑयल और वाटर का मिक्सर डाला। अब ये ध्यान रखना, हमेशा ऑयल और वाटर के केस में जो नीचे वाली लेयर होगी वो वाटर की होगी और जो ऊपर वाली लेयर होगी वो ऑयल की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो क्या रहेगा, हमेशा बॉटम में रहेगा, तो वाटर हमेशा बॉटम में रहता है और ऑयल हमेशा अपर लेयर में रहता है। तो जब मैं सेपरेटिंग फनल लगाती हूँ, मैंने सेपरेटिंग फनल में इनको ऊपर से पोर किया और नीचे ये है स्टॉप कोक मेरे पास, स्टॉप कोक मतलब एक किस्म से एक कह लो कि नॉब सी है, उस नॉब को मैंने क्या करना है, अब मेरे को उस नॉब को धीरे से खोलना है, धीरे से खोल के मैं क्या होगा, जो नीचे लेयर है पानी वाली वो सारी बीकर के अंदर आने लग जाएगी, है ना। और उसके बाद जैसे ही मेरे को दिखेगा कि सारा पानी जो है वो बीकर में आ गया, मैं वो नॉब क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी और ऑयल कहाँ रह जाएगा मेरे पास, सेपरेटिंग फनल में। तो इस मेथड से विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल मैं क्या कर सकती हूँ, ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट। वो किस बेसिस पे सेपरेट आउट होंगे, प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे बॉटम लेयर में होगा और जिसकी डेंसिटी लो होगी वो अपर लेयर में होगा। तो सेपरेटिंग फनल की नॉब को मैं क्या करूंगी, ओपन करूंगी और बॉटम लेयर मेरी सारी बीकर में आ जाएगी और जो अपर लेयर है वो मेरी सेपरेटिंग फनल में रह जाएगी। तो इस मेथड से विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल मैं दो इमिजिबल लिक्विड, इमिजिबल लिक्विड आर दैट लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते वो क्या होते हैं, इमिजिबल लिक्विड। तो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल मैं इनको क्या कर सकती हूँ, सेपरेट आउट। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट मेथड, सेपरेशन ऑफ मिजिबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं लिक्विड उनको कैसे अलग करना है। देखो जैसे कि मुझे अगर मिल्क में से, तो मिजिबल लिक्विड्स को मैंने कैसे सेपरेट करना, उसके लिए टेक्निक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
बट अगर मेरे को क्रीम में मिल्क में से क्रीम अलग करना है तो उसके लिए मैं क्या कौन सी टेक्निक यूज करूंगी, उस टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। जो आपके आसपास में डेयरी होगी कोई ना कोई, तो उस डेयरी पे जाके उसको बोलो कि आप अपने मिल्क में से क्रीम कैसे अलग करते हो, हमें जरा वो मशीन दिखाओ। तो वो जो एक बहुत बड़ी मशीन होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ठीक है। लाइक हम अपने घरों में मक्खन वगैरह कैसे निकालते हैं, ब्लेंडर की हेल्प से निकालते हैं ना, तो सेम वही प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में भी। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में एक्चुअली में होता क्या है, वो मशीन जो होती है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, उस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैंने फुल क्रीम मिल्क ले लिया। आपको पता है मिल्क भी बहुत तरह का आता है मार्केट में, फुल क्रीम मिल्क, लो क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है ना, क्योंकि मुझे क्रीम मिल्क में से अलग करनी है। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें फुल क्रीम मिल्क ले लिया। अब क्या होता है, वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स ले लेते हैं और एक अपरेटस होता है आपको साइड में दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में वो सारी की सारी टेस्ट ट्यूब्स रख देते हैं, ठीक है, और उसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो रोटेट होती है तो उसमें जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे रह जाते हैं लिक्विड के, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे जो मिल्क होता है लिक्विड वो सेपरेट आउट हो जाता है, और जो क्रीम होती है वो भारी होती जा रही है, वो भारी है तो वो नीचे आ जाती है और मिल्क अलग हो जाता है। सेम जैसे हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें जो ड्रायर वाला पार्ट होता है, हम अपने कपड़े कैसे सुखाते हैं, हम ड्रायर में डालते हैं, वो ड्रायर क्या होता है एक्चुअल में, वो एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरह ही काम करता है। वो रोटेट करता है बहुत तेज से, और जो उसका वाटर होता है वो उसको बाहर फेंक देता है, और जो पानी जो कपड़े होते हैं वो हमारे सूख जाते हैं। सेम प्रोसेस है, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स रखते हैं जिसमें फुल क्रीम मिल्क है, और उसको पूरा हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, जिससे जो मिल्क होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है और जो क्रीम होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हम क्रीम में से मिल्क में से क्रीम अलग करते हैं। अब जो आगे मेथड है वो है डिस्टिलेशन मेथड, या दो मिजिबल लिक्विड है जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, है ना। तो हम ये दो तीन मेथड और रह गए हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने सेपरेशन किया है कंपोनेंट्स का मिक्सचर में से, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा, इवेपोरेशन पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, अब हमने मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग करेंगे वो पढ़ा, है ना। और हमने क्या पढ़ा, दो इमिजिबल लिक्विड है लाइक ऑयल प्लस वाटर, तो इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, है ना, वो पढ़ा। तो आपने ये चार पांच टेक्निक्स आज पढ़ी हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, पेपर में एक ना एक आती है। और सेकेंडली जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और पानी को जो हमारे घरों में पानी आता है उसको कैसे प्यूरीफाई किया जाता है वो वाली टेक्निक सारी पढ़ेंगे, देखेंगे हम कि कैसे होता है वो प्यूरीफाई होके कैसे हमारे घरों में आता है। तो ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी टेक्निक्स अच्छे से पढ़ लो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो, हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।